नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हमारे पास में होंडा की न्यूली लॉन्च होंडा CB350। मार्केट में पहले से ही होंडा हाइनेस CB350 थी, प्लस में RS350 भी अवेलेबल है। कोई भी गाड़ी इनकी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है और ये एक न्यू प्रोडक्ट के रूप में आपको होंडा CB350 लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार कंफर्ट, बहुत ही शानदार फीचर्स एंड लुक के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि होंडा CB350 में कितने वेरिएंट मिल जाते हैं, प्लस में दोनों में कंपैरिजन करके भी मैं बताऊंगा आपको कि DLX और DLX Pro में क्या कुछ कंपैरिजन है एंड फीचर वाइज आपको इसमें क्या क्या मिल जाते हैं। साथ में होंडा आपको क्या डिस्काउंट एंड क्या ऑफर्स दे रहा है जो कि आपको मजबूर कर देगा होंडा की गाड़ी लेने के लिए। वेल दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर बात की जाए सबसे पहली चीज़ तो होंडा CB350 के बारे में, एज यू नो पहले से ही होंडा CB350 अगर आप देखेंगे मेरे राइट साइड में खड़े हुए RS खड़ी हुई है, ये भी अभी अवेलेबल है। प्लस में होंडा हाइनेस CB350 देखेंगे तो ये भी आपको होंडा के शोरूम में देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ में एक और वेरियंट, एक और प्रोडक्ट लाइनअप हो चुका है जो कि आ गया है होंडा CB350 के नाम से, सिंगल होंडा CB350। इस प्रोडक्ट में बहुत कुछ खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये एक अलग कंफर्ट, थोड़ी सी लंबी आपको गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। कंफर्ट वाइज बहुत ही शानदार है, फीचर वाइज भी आपको काफ़ी बेहतर रूप से देखने के लिए मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रॉयल क्लासिक 350 के साथ में भाई ये बिल्कुल कॉपी उतारी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज होंडा ये अपनी गाड़ी अलग रूप से निकाली है और इसे आप सामने से देखेंगे तो ये अलग ही लेवल की गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और पर्सनली अगर बताएं तो ये गाड़ी आपको होंडा क्लास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलेगी सच में। मतलब बाकी अपना एक टेस्ट अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको होंडा CB350 में देखने में अच्छी लगेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कितने वेरियंट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली होंडा CB350 में अगर आप देखेंगे तो दो मॉडल आपको मिल जाते हैं, DLX एंड DLX Pro, जो कि दोनों हमारे सामने खड़े हुए हैं, दो ही मॉडल आपको मिलेंगी। एंड ये स्टार्ट होती है 1,99,000 रुपीज़ से एंड गोज़ अप टू 2,17,800 प्राइस में, जो कि इसका टॉप मॉडल DLX Pro आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट लुक में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त लगेंगी इसकी लाइटें। तो यहाँ पे देख सकते हैं LED आपको पूरी हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही शानदार है और ये बहुत ही सुपर मिलते हैं। अब अगर आप देखेंगे फ्रंट पे जो यहाँ पे देख सकते हैं गार्ड है, ये बहुत ही बड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि होंडा टिपिकल अगर आप देखेंगे नॉर्मल पहले आता था बहुत ही छोटा आता था। अगर आप देख सकते हैं RS में तो काफ़ी छोटा आपको देखने के लिए मिलेगा, पतला सा मिलेगा, बट एक्चुअल में अभी क्या हो चुका है ये ब्रॉड हो चुका है एंड ये पूरा नीचे तक कवर करता है, सो दैट आपका कुछ भी पार्ट आपका गंदा नहीं होगा और ये पूरा आपका गार्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है सच में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी कलर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। पर्टिकुलर आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइट्स हैं पूरी तरीके से यहाँ पे LED में देखने के लिए मिल जाती है। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम कवर अप आपको देखने के लिए मिल जाता है, साथ में आपको हजार्ड्स लाइट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है और ये बहुत ही शानदार लगता है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ टायर साइज़ के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत से आपको मिलेंगे। डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको टायर साइज़ मिलेगा 100/90/19 का टायर साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में डुअल हॉर्न आपको यहाँ पे दिए जाते हैं जो कि बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। अब बेसिकली जो इसका टैंक है वो थोड़ा सा बड़ा आपको मिलेगा नॉर्मल, जो कि आपके होंडा CB350 RS या फिर हाइनेस में देखने के लिए मिलता था, वहाँ पे 15 लीटर का था एंड इसमें आपको 15.2 का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्लस में होंडा का यहाँ पे बैजिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये थोड़ा सा वर्क किया गया है, डिज़ाइनिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है होंडा। बाकी इंजन ऑप्शन आपको एग्जैक्टली बिल्कुल ही सेम आपको देखने के लिए मिल जाता है, इंजन में कोई भी बदलाव आपको नहीं किया गया, सेम आपको 349cc इंजन आपको मिलता है, जो कि 21 PS पावर एंड 229.4 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। साथ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी, अगर आप इसके देखेंगे जो पैडल है बेसिकली ये थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार लुक भी आपको प्रोवाइड करा देती है। CB350 की बैचिंग आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगी। की वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नो डाउट रॉयल एनफील्ड क्लासिक से मिलते जुलती लगेंगी, बट जो होंडा का यहाँ पे चीज़ें हैं वो आपको ज़बरदस्त देखने के लिए मिल जाती हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीट के बारे में, तो सीट आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सीट हाइट बेसिकली आपको 800 mm का देखने के लिए मिल जाता है, एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो 165 mm का मिलेगा। वेल, मेरी हाइट 5'8" है और अभी जब मैं इसमें जब बैठ रहा हूँ तो यहाँ पे अच्छी बात दोस्तों ये है कि कंफर्ट आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। मींस लॉन्ग ड्राइव आप आराम से कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा मतलब हाइट इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5'8" है जैसे मैंने यहाँ बताया, और मेरे जो पैर हैं वो पूरे नहीं रख पा रहे हैं, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, बट बेस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बड़ा सा टैंक आपको मिलता है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और साथ में दोस्तों अगर बात की जाए MID मीटर के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एनालॉग फॉर्म में थोड़ा सा मिलेगा, यहाँ पे डिजिटली है, इसको करते हैं ऑन। सो कुछ इस टाइप का आपका ओपन होता है, वेलकम गिरता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 to 160 इसकी टॉप स्पीड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है, टाइम शो होगा, ट्रिप ए ट्रिप भी, और जिक 5 गियर बॉक्स के साथ में आती है, तो यहाँ पे गियर वगैरह भी आपको शो होंगे, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। प्लस में यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, मोड आप चेंज कर सकते हैं, इको मोड है, प्लस में और भी मोड्स आपको मिलेंगे, न्यूट्रल, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आप DLX Pro पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आ जाता है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ में आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं ट्रिप ए टोटल कितने किलोमीटर है, एंड यहाँ पे आपको बैटरी वगैरह का शो होगा, रेंज आपको दिखाएगा कितने किलोमीटर चल सकती है, जैसा कि कार में हम लोग जनरली सारी चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हॉर्न के लिए है, हॉर्न हमारे पास में, अगर आप देखें हॉर्न इसका बहुत ही लाउड है, बिकॉज डुअल हॉर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये बहुत ही लाउड आपको मिलता है, सच में बहुत ही ज़बरदस्त है। पास वगैरह देने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, बाकी दो आपके मिरर मिलते हैं नॉर्मल से, बहुत ही अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे राइट साइड आप देख सकते हैं हमारे पास में इग्निशन ऑन करने के लिए, एंड ये है आपका हजार्ड लाइट का ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ आपको दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई इसकी आवाज़ आपको सुना देते हैं कि इसकी जो गुड़गुड़ाहट है वो कैसी है और किस तरीके से ये परफॉर्म्स करेगी। सबसे ज़बरदस्त लगा मुझे इस गाड़ी का आवाज़, जो कि बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले मैं आपको इसे आइडियल कंडीशन में सुना देता हूँ कि जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो इसका कैसा इसका साउंड रहेगा, फिलहाल आप देख सकते हैं। तो ये है इसका आइडियल, अभी मैं इसको थोड़ा सा थ्रॉटल करता हूँ तो आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है, और सच में जहाँ से आप मतलब जिस जगह से भी इस गाड़ी को लेके निकलेंगे तो एक बार तो नज़र जाएगी ही जाएगी, और ये साउंड बहुत सारे लोगों को पसंद आ जाती है। तो ये जो गुड़गुड़ाहट है ये होंडा हाइनेस न्यू CB350 में आपको देखने के लिए मिल जाती है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। वेल, यहाँ पे ये स्प्लिट सीट आपको देखने के लिए मिल जाती है, पर्टिकुलर आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर रियर में देखेंगे होंडा यहाँ पे लिखा हुआ है, रियर में टेल लैंप पर्टिकुलर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हजार स्लाइड का ऑप्शन आपको मिलेगा। और ये देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पे पूरा जो कवर है रियर के टायर का वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, बड़ा सा साइलेंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको देखने के लिए मिलेगा। रियर में भी देख सकते हैं दोस्तों अलॉय व्हील है, एंड एग्जैक्टली टायर साइज की बात करूँ तो 130/70/18 का रियर का टायर साइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में दोस्तों, तो कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि थोड़ा सा सेफ्टी प्रोवाइड कराती हैं, और ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिटी गार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड का लुक बहुत ही शानदार आपको मिलेगा, यहाँ पे पेडल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, 5 गियर बॉक्स के साथ में आपको मिलेगा, और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं साइड में यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलती है DLX Pro। अब मैं आपको बता देता हूँ कि DLX और DLX Pro में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो मेरे लेफ्ट साइड खड़ी हुई है DLX मॉडल है, एंड DLX में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट लुक्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ, तो एग्जैक्टली आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी।
सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DLX में ये वाला जो पार्ट है बेसिकली लाइट्स पे, तो ये आपका नॉर्मल आपको गार्निश देखने के लिए मिलती है। इसमें कोई भी क्रोम नहीं लगा हुआ है, ना ही आगे ना ही यहाँ पे आपको। बट अगर आप DLX Pro लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम का वर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम फील कराता है, अच्छा लगता है। सेकेंड चीज़, अगर आप ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं बेसिकली, तो ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये ब्लैक कलर मिलेगा DLX में। एंड अगर DLX Pro लेते हैं तो ये आपका बॉडी कलर्ड मिलेगा, जो भी आपका कलर ऑप्शन होगा सेम आपको बॉडी कलर्ड में देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो ये दो चीज़ें से आप समझ सकते हैं कि कौन सा DLX है, कौन सा DLX Pro है। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आप DLX मॉडल को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो DLX में पहली चीज़ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, पूरी तरीके से खाली था, खाली खालीपन मिलेगा आपको। यहाँ पे MID मीटर में आपको दिखा देता हूँ, तो MID मीटर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको नॉर्मल सा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है दोस्तों, वो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वैकेंट है, यानी खाली है। और आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड बाकी सारी चीज़ें आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगी, ज़्यादा कुछ और खास बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऑफर्स के बारे में, जो कि होंडा अपने कस्टमर्स को दे रहा है। दोस्तों अगर बात की जाए, होंडा अपने जो कस्टमर को ऑफर दे रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। और वो है दोस्तों कि जिनकी भी एज 18-25 है, यानी कि टीनेजर्स है, उनके लिए होंडा फ्लैट 12,800 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ CB350 के लिए, होंडा के जितने भी प्रोडक्ट हैं वहाँ पे आपको 12,800 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड ये बहुत ही शानदार है। तो ये है होंडा की तरफ से, और एक डिस्काउंट, एक ऑफ़र आप मेरी तरफ से भी सुन लीजिए, जो कि बहुत ही शानदार है। और फिर आप जब बाइक परचेज करेंगे उसका पेट्रोल तो डलाएंगे, एंड पेट्रोल में भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे दोस्तों? आप यूज़ कर सकते हैं एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, जो कि बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे आप हर महीने का 4% डिस्काउंट ले सकते हैं, अगर आप 0 से लेके 5,000 तक पेट्रोल भरवाते हैं तो। अप टू 5,000 तक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 5,000 से ऊपर भरवाएंगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 5,000 तक हर महीने आपको 4% का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड चीज़ दोस्तों, इसका ये पूरा लाइफ टाइम फ्री है, आपको एक रुपये भी लाइफ में नहीं देना है कुछ भी इसका। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये कि पहले महीने आपको कैशबैक भी मिलेगा, अगर आप 1 रुपये से लेके 250 रुपये तक अपना पेट्रोल फिल करवाते हैं तो। यानी कि 250 रुपये का कैशबैक आपको पहले महीने मिल जाएगा, इसके बाद हर महीने अगर आप 5,000 तक पेट्रोल भरवाते हैं या फिर उससे कम भी भरवाएंगे, चाहे 1,000 का भरवाएं चाहे 500 का भरवाएं, उस पर आपको 4% का रिवॉर्ड के रूप में कैशबैक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। प्लस 1% ऑनलाइन शॉपिंग, साथ में दोस्तों 10% मूवी के डिस्काउंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार है। चलिए मेरी तरफ से आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने दे दिया हुआ है एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड का, और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तो सभी जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं तो कानपुर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं होंडा बिंगविंग शोरूम में, मैंने डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको होंडा की तरफ से जो 12,800 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑफर है फ्लैट बेसिकली, ये बहुत ही शानदार है, आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक साथ में, थैंक यू सो मच गाइज़।